लाहौर में एहतजाजों का सिलसिला तो चलता रहता है। आज भी हम आपको एक ऐसे एहतजाज का मंजर दिखाएंगे जिसमें चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मुंतजर मेहंदी हमारे मेहमान खास होंगे। आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ठीक साहब, क्या हाल है सर? खैरियत से आप? मुंतजर साहब, धरना और ट्रैफिक वार्डन को ब्रीफिंग दी जा रही है, क्या मामला, क्या हुआ यहाँ पे? बड़ी अच्छी जगह जहाँ पे मुलाकात हुई आपसे, और लोग जो है एहतजाज करते हैं और एहतजाज करने के लिए अनफॉर्चुनेटली ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जो मुनासिब नहीं है। यहाँ पे हम खड़े हैं, सेक्रेटेरिएट चौक है और आपको पता है कि पूरे शहर से ट्रैफिक यहाँ पे आती है, और हम जहाँ पे खड़े हैं उसके इर्द गिर्द तमाम अहम दफातर हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, और ये साथ ही कचहरी है, आपको पता है कि यहाँ पे भी लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। तो यहाँ पे ये रोड को बंद किया हुआ है प्रोटेस्टर्स ने, और हमारा बेसिकली टास्क ये है कि हम किसी भी हवाले से उन शहरियों की इनकन्वीनियंस को कम करें, उनके लिए सहूलत पहुँचाएँ। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब एक मेन सड़क बंद हो जाती है तो उसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे अपने तमाम ऑफिसर्स को बुलाया हुआ है, ग्रेजुएट ऑफिसर्स भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे वार्डन्स काम कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो कम कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इर्द-गिर्द ट्रैफिक चल रही है, और मैं खुद आगे यहाँ पे देख रहा हूँ, और प्रोटेस्टर्स के साथ भी बात हो रही है, उनसे भी उनकी भी गोश गुजार कर रहे हैं कि जिनसे आपका मुतालबा है वो और लोग हैं, लेकिन जो सफ़र कर रहे हैं वो और लोग हैं। सीडीओ साहब, जो एहतजाज है वो लोगों के लिए परेशानी का बाइस तो बनता है, लेकिन यहाँ पे बड़े ऐसे भी वाकयात हुए हैं। जो सानिया माल रोड हुआ था, सानिया माल रोड पे कैप्टन मुबीन शहीद हो गए, तो बड़ा सोच समझ के अफसरान को जाना पड़ता है, तो डर नहीं लगता? देखिए, ये हमारा काम है और हम तो समझते हैं कि ये काम हमें करना ही है, किसी भी कॉस्ट पे करना है, और खुदा ना खास्ता अगर इसमें हमारी जान भी जाती है तो कोई ऐसी बात नहीं। बेसिकली तो हम लोगों के लिए सहूलत पैदा करना चाहते हैं, और सहूलत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जितनी अपने तय हो सकती है, उसके लिए कोई भी प्राइस है काबिले कबूल। जो इस तरह का एहतजाज होता है, लोग बात मानते हैं, सुनते हैं आपकी बात? बिल्कुल नहीं सुनते, दो दिन से तो खैर बिल्कुल नहीं सुन रहे, ये 9 दिन हो गए हैं यहाँ पे एहतजाज को, और मैं आपको बता दूं कि हमें ऑन एवरेज रोज़ाना 21 के करीब एहतजाज फेस करना पड़ते हैं, और उसका मेन जो ब्रंट है वो हमारे शहरियों को और ट्रैफिक पुलिस को फेस करना पड़ता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो भी एहतजाज हो रहा है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हुई है उसमें शहरियों की परेशानी कम कर सकें। मुश्किलात क्या होती हैं लोगों को आने जाने के, गुजरने का तो प्रॉब्लम होता है, और क्या मसले होते हैं? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि देखिए मेंटल एग्नी कितनी ज़्यादा है, लोगों का टाइम ज़ाया होता है, लोग ज़हनी तौर पर परेशान होते हैं, उनका फ्यूल ज़ाया होता है, और ज़ाहिर है किसी को कहीं पर पहुँचना है, ऐसे एहतजाजों में एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं और हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। खुदा ना खासा अगर एक भी जान इस तरह से ज़ाया हो जाए तो हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से ट्रैफिक को रवाना रखा जाए। सीडीओ साहब, लाहौर में सालाना कितने एहतजाज होते हैं, और जो आपकी नफरी है, जो आपकी ताकत है, वो कितनी एहतजाजों पर ज़ाया हो जाती है? देखिए, मैंने जैसे बताया कि 20-21 के करीब हमारी एवरेज निकलती है, कोई कोई दिन है जो सारा दिन हमारा एहतजाजों में गुजर जाता है, कोई ऐसे दिन होते हैं जिस पर कम होते हैं, लेकिन ये है कि जब भी एहतजाज होता है हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज उसमें ज़ाया होते हैं, और आजकल तो कुछ एहतजाजों का सीज़न ज़रा ज़्यादा हुआ हुआ है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब अगर आप इसी पर्टिकुलर जगह की मिसाल ले लें तो यहाँ पर हमारा एक SP, 2 DSP जो अदरवाइज़ और काम कर रहे होते हैं शहर में, अब आपको पता है कि ये पीक आवर स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो हमारी बहुत सारी नफरी यहाँ पे वो हो रही है, ज़ाया हो रही है, जो हम किसी और बेहतर यूटिलाइजेशन में ला सकते थे। जो सब लाहौर की बेहंगम ट्रैफिक की वजह क्या है, क्या वजह है कि लोग अगर सड़कों पे निकलते हैं तो कई कई घंटे उन्हें तवील सफ़र तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जहन में ये रखना चाहिए कि हम एक बड़े शहर में रह रहे हैं, ये मेगा सिटी है और इसमें बहुत सारी आवाम है, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हम 6.7 मिलियन गाड़ियाँ हैं जो इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रही हैं। बेहंगम होने की सबसे जो बड़ी वजह है वो तो ये है कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस ट्रैफिक को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। दूसरी इसकी रीज़न ये है कि हमारी जो रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग है वो बहुत ज़्यादा जो पब्लिक जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। इसमें जो आपको बेहंगम होने की, जो रोड पे खड़े होकर आप देखें तो अगर आपको लेफ़्ट या राइट टर्न करना है तो आपको वो यू टर्न्स जो हैं वो फैसिलिटेट नहीं करते, आपको फास्ट लेन में जाके टर्निंग करनी पड़ती है। तमाम जो दुनिया के बड़े शहर हैं उसमें आप देखते हैं कि अगर आपको कोई भी यू टर्न लेना है या आपको अपनी लेन चेंज करनी है, लाइन चेंज करनी है, तो वो रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपको फैसिलिटेशन देती है। फिर बेहंगम होने की एक मेजर रीज़न जो है वो ट्रांसपोर्ट है जो शायद अपने ऊपर उन लॉज को समझती है कि इन्फोर्समेंट नहीं होती। इस 6.7 मिलियन में 4.7 मिलियन जो है वो मोटर बाइक्स हैं और मोटर बाइकर्स ये समझते हैं कि किसी भी लेन में वो जा सकते हैं, कहीं से भी वो टर्न करना चाहें तो टर्न कर सकते हैं, अगर वन वे जाना चाहें तो वन वे जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी रीज़न है। और लास्टली जो रीज़न है वो ये है कि शायद हमारे यहाँ ट्रैफिक लॉस की वायलेशन पे जो जुर्माने हैं वो इतने शदीद नहीं हैं, सज़ाएँ इतनी शदीद नहीं हैं, कि ये सारी दुनिया में ऐसे ही होता है जो डेवलप वर्ल्ड है कि आप एक दफ़ा अगर वायलेशन करते हैं तो आपको इतनी सख्त पेनल्टी मिलती है कि आप नेक्स्ट टाइम वायलेशन करने का सोच। अच्छा मुंतज़िर साहब, कवानीन की पासदारी क्यों नहीं करते? आम शहरी है वो, कानून को हाथ में क्यों लेते हैं? वन वे की खिलाफ वर्जी क्यों की जाती है? टू वे क्यों जाया जाता है? क्या वजह क्या है? लोग क्या सोचते हैं? कोई सिफारशी कल्चर हमारे यहाँ बहुत डेवलप है? इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो हमारे यहाँ लोगों का रवैया है। लोगों का रवैया हमारे ये है कि अगर आप कहीं पे भी खड़े हो, कि ये जनरल ऑब्जर्वेशन की बात है कि एक मिनट के लिए अगर ब्रेक लगानी पड़ती है तो वो फुटपाथ के ऊपर मोटरसाइकिल चला लेंगे या वन वे पर डाल लेंगे, या बड़ी से बड़ी भी आपने दरमियान में कोई डिवाइडर लगाया उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। ये रवैया आपको ट्रैफिक में भी नज़र आएगा, यही रवैया आपको नज़र आएगा कि हम कूड़ा भी अपने पास होल्ड नहीं कर सकते, फौरी तौर पे खिड़की खोलते हैं और बाहर फेंकते हैं। इसमें हम जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक तो हाई कोर्ट ने जो हमें परमिशन दी थी 3 वायलेशंस के ऊपर 2000 का चलान करने की, उसकी हमने बड़ी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की, और दूसरा हमने अपने एजुकेशन यूनिट को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट किया। हम ये समझते हैं कि जो हमारी जो नई जनरेशन है, पुरानी जनरेशन को तो हम ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनको तो इन्फोर्समेंट के ज़रिए ठीक किया जाएगा। हमने अपना जो एजुकेशन का नेटवर्क है वो अपने स्कूलों तक पहुंचाया और हमने अपनी जो इन्फोर्समेंट है वो थ्रू बच्चों के करनी शुरू की। अब इसकी बहुत ज़्यादा आपको मिसालें मिलेंगी जहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कहा कि जी आपने ये रेड लाइट जंप की है या आपने लेन सिस्टम की वायलेशन की है। तो ये हम समझते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो हमारी वाली जनरेशन से बेहतर होगी और शायद उनके रवैये जो हैं वो बेहतर होंगे। तो बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि एक तो जुर्माने कम है, दूसरा हमारा शायद रवैया इस तरह का कि हम समझते हैं कि हम 2 महीने हॉस्पिटल के बेड के ऊपर गुजार सकते हैं, 2 मिनट इशारे पे खड़े नहीं हो सकते। सी टी ओ साहब, आप रवैयों का जिक्र कर रहे थे तो आवाम के रवैये तो बिल्कुल इस तरह के हैं, लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स के रवैये भी बाज़ दफ़ा ऐसे सामने आते हैं कि बड़े अजीब सी मामलात हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और एग्रेशन आता है, तो वो रवैयों का कौन ज़िम्मेदार है? वो रवैयों का ऑब्वियसली CTPL ही ज़िम्मेदार है। हमने जो सबसे पहला काम किया था जब मैं CTO आया था, तो मैंने सबसे पहली बात ये की थी कि शायद 1.5 करोड़ आवाम को एजुकेट करना मुश्किल है, हमें सबसे पहले अपने 3400 वार्डन्स को एजुकेट करना है, और उसके लिए हमने बहुत सारे कोर्सेज, बल्कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमारे डिसिप्लिन कोर्स के नाम से हमारा एक कोर्स है जो रोज़ाना की बेसिस के ऊपर होता है, उसमें कुछ वार्डन्स शिरकत करते हैं जिसके काफ़ी सारे आस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम काम करते हैं। मैं ये बताने में आपको बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जो वाक़यात थे इस कफल के रोड के ऊपर खड़े होकर लड़ाई झगड़े के वार्डन्स में, उसकी बहुत ज़्यादा कमी आई है। जब मैं यहाँ पे मैंने चाय लिया था तो रोज़ की 3-4-5 शिकायात थी जहाँ पे रोड पे लड़ाई हो रही होती थी वार्डन्स की, लेकिन अब इक्का दुक्का कभी शिकायत आती है, कभी 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, या पूरा पूरा महीना भी बाज़ात नहीं आती।
उसमें हमारे पास बहुत सारी मिसालें ऐसी भी आई हैं जहाँ पे वार्डन्स के साथ बदकलामी कर रहा है शहरी और वार्डन खड़ा होकर हंस रहा है और वो रिएक्ट नहीं कर रहा। हमने अपने वार्डन्स को इस बात के ऊपर कन्विंस किया, उनको लेक्चर्स दिए, उनको बताया कि जो कानून के अंदर रास्ता दिया गया है अगर उनके कार्यकार में कोई मुजाहम हो रहा है तो उसमें कानून में दी गई जो रेमेडीज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, ना कि जाहिलाना तरीके से रोड के ऊपर मैस क्रिएट किया जाए। उसके बावजूद इक्का दुक्का कोई शिकायत आ जाती है, उसके ऊपर हम भरपूर इंक्वायरी करते हैं और अगर हमारे वार्डन्स का कसूर होता है तो हम वार्डन्स को सजा देते हैं, अगर शहरी ने बदकलामी की हुई है तो हम उसके खिलाफ FIR देते हैं। ये सिस्टम हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़ा मुतमइन हूँ कि अब उन शिकायत में वाज़ह कमी आई है। अच्छा, आपके बारे में एक तासुर है कि आप सिफारिश करवाने वाले को शोकास्ट कर देते हैं, तो अगर कोई अपनी मर्जी की ड्यूटी लगवाना चाहता है, कोई पोस्टिंग करवाना चाहता है, तो ये तो बड़ा पॉजिटिव साइन होता है अगर आप उसकी ख्वाहिश के मुताबिक गएँ तो आप शोकास्ट दे देते हैं। पहले हमने उसको एक वेंट आउट करने का एक तरीकाकार फ्राहम किया अपने वार्डन को। मेरे दफ्तर में रोज़ाना की बेसिस के ऊपर OR होता है, अगर कोई OR में नहीं भी आना चाहता तो एक दरख्वास्त लिख के मुझे भिजवा देता है कि मैं फलां जगह पर जाना चाहता हूँ। उसका हमने एक SOP बना के तमाम वार्डन्स को सर्कुलेट की हुई है और हमने एक, अगर वो दरख्वास्त भी नहीं देना चाहता, मेरे पास आना भी नहीं चाहता, तो उसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जो भी दरख्वास्त मुझे भेजता है अगर वो उस SOP के ऊपर पूरा उतरती है तो उसको फौरी तौर पे अमल दरामद हो जाता है, और अगर वो उस SOP पे नहीं पूरा उतरता तो किसी सूरत में भी वो हम नहीं करते। बेसिकली जो करने का पर्पस था वो ये था कि ये एक वेलफेयर का एस्पेक्ट है कि हर वो बंदा जिसके पास सिफारिश नहीं है उसको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाए जैसा किसी सिफारिशी को किया जाता है। इसमें हमने तमाम तर पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंट कर दिए, हर बंदा अपनी चॉइस की पोस्टिंग पे जाता है और हम जितना अकोमोडेट कर सकते हैं हम उसको खुद करते हैं ताकि हमारे किसी भी फोर्स के मेंबर को कोई सिफारिश ना करानी पड़े। उसके बावजूद भी अगर कोई सिफारिश कराता है तो उसको मैं शोका देता हूँ। सिफारिश अगर आती है तो फिर वो सिफारिश करने वाले आपसे नाराज़ तो होते होंगे? जी, बेसिकली शोका नोटिस भी इसीलिए दिया जाता है कि ज़ाहिर है अगर कोई मुझे सिफारिश करता है तो किसी मान से करता है और उसकी सिफारिश पे अगर अमल दरामद नहीं होता तो मेरे उससे ताल्लुकात ख़राब होते हैं। ये काम ये हरकत किए बगैर भी हो सकता है, अगर मुझे सीधे तरीके से दरख्वास्त कर ली जाए, मेरे पास आ जाए, मुझे मैसेज कर दी जाए तो वैसे ही उस पर अमल दरामद हो सकता है। सज़ा बेसिकली मिलती ही इसी चीज़ की है कि आपने मेरे ताल्लुकात क्यों ख़राब कराए। अच्छा, जो आप अदर रूम करते हैं उसमें आपका मूड अच्छा हो तो माफ़ी होती है, माफ़ी का ऐलान होता है या सज़ा मिलती है? देखिए, अगर आप रोड पे खड़े हुए वार्डन से पूछेंगे कि ये बड़ी ही सर्टेनिटी है सज़ा में, किसी को अनड्यू सज़ा नहीं मिलती, अगर किसी ने कोई गलती की है तो वो ऑलमोस्ट सर्टन होता है मेरे पास आते हुए कि क्या सज़ा मिलेगी, अगर कोई दरख्वास्त लेके मेरे पास आया तो भी सर्टेनिटी है कि ये कबूल होगी या कबूल नहीं होगी। तो हमने मुकम्मल तौर पे इसको सर्टन बना दिया हुआ है। इक्का दुक्का हो सकता है कि कभी मूड असरंदाज होता हो उस पर, मैं उसके ऊपर मतलब ऑनेस्टली बंदे बशर से कोई गलती हो सकती है, लेकिन कोशिश यही है कि हर काम मेरिट पे किया जाए। सीटीओ साहब, जब लाहौर में क्रिकेट मैचेस होते हैं तो आवाम बड़ी परेशान होती है, लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें बनती हैं और सड़कों पर बिलबुला उठते हैं लोग, ट्रैफिक आप बंद कर देते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, क्या वजह है? सिक्योरिटी और कन्वीनियंस साथ इकट्ठे नहीं चल सकते और ट्रैफिक पुलिस का रोल ये है कि वो इसके दरमियान जो गैप है उसको कम से कम करे, और हमने जितना भी प्लान PSL में किया और उसमें बेसिक फोकस यही था कि शहरियों की मुश्किलात को कम किया जाए,
मैं ये बात भी बड़े फ़ख्र से आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे लास्ट टू वीक्स थे, ये 3 वीक्स का इवेंट था टोटल, और लास्ट 2 वीक्स में वो एक सिंगल कॉल भी रिसीव नहीं हुई शहरियों की तरफ से 15 पे कि उनको इनकन्वीनियंस हुई है। हमने इसमें बड़ी मेहनत की, हमारे तमाम ऑफिसर्स जो थे वो ऑन ग्राउंड मौजूद रहे, हमने ऑल्टरनेट रूट्स को रवां दवां रखा, हमने टीम की मूवमेंट्स के अलावा कोशिश ये की कि शहरियों को 1 मिनट के लिए भी खड़ा ना होना पड़े, हमने हर पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस जो था उसका टाइम कैलकुलेट किया और उसके हिसाब से ट्रैफिक को बंद किया। अब जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई हुई है तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करने देंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से चलाएंगे। और हमारे लिए अगेन बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने इसको एक्नॉलेज किया, हाई कोर्ट ने इसको एक्नॉलेज किया, कैबिनेट कमेटी ने इसको एक्नॉलेज किया, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारा हौसला और बढ़ाया और हम और मेहनत से काम करेंगे। अच्छा, इतना सब कुछ अरेंज करने के बावजूद भी लोगों के शिकवे और गिले आप तक आते तो होंगे, लोग चाहते क्या हैं, लोगों को वाकई मुश्किल तो होती है? जी यकीनन, देखिए जब हमने 0 ट्रैफिक देनी है किसी टीम को तो ऑब्वियसली जो उस रूट पे ऐसे पॉइंट पे आ गए जहाँ से उसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता तो उसके लिए 6 से 9 मिनट की तकलीफ है जो उसको उठानी पड़ती है। हमारी कोशिश ये है कि जो चोकिंग पॉइंट है जहाँ पे हम ट्रैफिक को बंद कर रहे हैं उधर आने से पहले पहले मैक्सिमम लोगों को ऑल्टरनेट रूट पर डाला जाए, जो लोग रह जाते हैं ऑब्वियसली उनका शिकवा बिल्कुल जायज़ा। अच्छा मुफ्ती साहब, एक लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट है, शायद वो ठीक है या गलत है, लोग कहते हैं कि आपकी तरफ से यानी कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वार्डन्स को एक टारगेट दिया जाता है कि इतने रोज़ाना की बुनियाद पर चलान करने हैं और वो टारगेट अपना पूरा करके तो फिर जाते हैं, जिसमें लोगों के गलत चलान भी होते हैं, ठीक भी होते होंगे, तो ऐसी कोई बात है? शेख साहब, ये मैं हर फोरम के ऊपर ये बात कर चुका हूँ और बरमला इसका इजहार भी करता हूँ हर जगह पे कि ना हमारी तरफ से कोई टारगेट दिया गया है, ना हमारा रेवेन्यू जनरेशन के साथ कोई तल्लक है, हमारा तल्लक सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्समेंट से है। हमने अपने वार्डन्स को यहाँ तक कह रखा है कि अगर आपको ये लगे कि कोई बंदा इतना गरीब है कि ये जो चलान की रकम है उसका चूल्हा ठंडा कर सकती है तो यकीनन उसका चलान ना किया जाए। हमारे वार्डन्स इस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं। यहाँ पे वॉयलेशंस जो हैं वो हैं थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन उसके मुकाबले में जो हम चलान्स कर रहे हैं उसकी जो तादाद है वो बहुत ही कम है। हमारी तरफ से ना कोई टारगेट दिया गया है, ना हमारे से कोई पूछता है, ना हम किसी को इस हवाले से जवाब दें, हम इन्फोर्समेंट के हवाले से जवाब दें। अच्छा, एक चिकची रिक्शे का मामला बड़ा पुराना है कि उसके रूट का कोई मामला अभी तक हल नहीं हो सका, फिर उसके बाद लोडर रिक्शा हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी है, तो ये मुश्किलात हैं अगर सरकारी इदारे इसको मुकम्मल काम को नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस को प्रॉब्लम होती है? देखिए, एंड ऑफ द डे जो प्राइस है वो तो ट्रैफिक पुलिस को ही पे करना पड़ती है। लोडर रिक्शे की बात करें तो वो तो लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं, अब वो कैसे इंपोर्ट हो रहा है? और जो चिंगची रिक्शा है उसकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक बनाया जाना ज़रूरी है, उसके लिए बेस बनाने ज़रूरी हैं, उसका फेयर तय करने की ज़रूरत है और उसका बकायदा तौर पर रूट परमिट इशू करना चाहिए। ये हमारी जो जुडिशल कमीशन की जो एक कमेटी बनी हुई है उसमें मामला तय हो रहा है और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम जा रहे हैं। जो हमारे करने का काम है वो हम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे तक आने से पहले कुछ 4 महकमे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और उन 4 महकमों से अब पूछ प्रतीत हो रही है, इसको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे कि इन चिंगची रिक्शास को रेगुलेट किया जाएगा, ये स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनेंगे, इनका प्रॉपर रूट परमिट होगा, इनकी लाइसेंसिंग का प्रोसेस होगा और ये ख़ास रास्ते पर चलेंगे और किसी ख़ास जगह पर खड़े होने के ऑथराइज होंगे। अच्छा CTO साहब, ये बताएं कि जो लाहौर से बाहर जाने वाली मुसाफिर बसें हैं या वैनें हैं वो कितनी लाहौर में इलीगल हैं और कितनी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जा रही हैं? जैसे कि कानून है कि मेट्रो बस जहाँ से जा रही है वहाँ पे कोई मुसाफिर बस या मुसाफिर वैन नहीं होनी चाहिए, लेकिन कसूर जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो मजंग से होके वो फिरोजपुर रोड से जाती हैं, तो क्या वो लीगल है? देखिए, ये इसका जवाब शायद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दे सकेगा, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी दे सकेगी, क्योंकि रूट परमिट इशू करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा काम इन्फोर्समेंट का है, हमने बड़ी स्ट्रिक्ट हदायत दे रखी हैं कि कोई भी गाड़ी जो रूट परमिट के बगैर चल रही है उसको चलने ना दिया जाए, लेकिन बहुत सारी जगहें जहां हमें पता चलता है कि इलीगल अड्डा कायम हो गया है, कोई वहां से गाड़ियां चल रही हैं उसको हम फौरी तौर पर बंद करते हैं।
अच्छा, हेलमेट का एक बड़ा सख्त अमल दरामद शुरू हुआ था, हाई कोर्ट के हुक्म पे किया गया था, अब उसमें नरमी है, सीट बेल्ट पे भी नरमी है, ज़्यादा इनसार किया जा रहा है ई चलान पे। बिल्कुल नरमी नहीं है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाएं। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि हमारा एजुकेशन यूनिट एक काम करता है इस हवाले से, हमने आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ पम्फलेट्स के ज़रिए, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए और जनरली लेक्चर दे के लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो कोई छोटे से छोटा एक्सीडेंट भी जो है वो फेटल एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। वन वे के ख़िलाफ़ भी जो हमारी ड्राइव थी वो इसी का हिस्सा थी कि हम चाहते थे कि हमारे शहरी जो हैं उनकी ज़िंदगी महफूज हो सकें। सबसे पहला काम हमारा यकीन यही है कि हम शहरियों की ज़िंदगी बचा सकें। जो आप अगर मुख्तफ अदाद शुमार देखें, एमरजेंसीज का रिकॉर्ड देखें, एमएसएस से इंटरव्यू करें तो आपको बताएंगे कि हमारे इन इकदाम की वजह से फेटल एक्सीडेंट्स में नुमाया कमी हुई है और तकरीबन 30% हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम हुए हैं फेटल एक्सीडेंट्स में, और जो हमारे नॉन फेटल एक्सीडेंट्स हैं उसमें 50% कमी हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है हम अपना काम कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपके तवज्जो से भी शहर इस बात को समझेंगे कि हेलमेट का इस्तेमाल और सीधे रास्ते पर जाना, वन वे पर ना जाना, उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सी डी ओ साहब, चौधरी परवेज़ लाई जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे उनके दौर में ट्रैफिक वार्डन्स का सिस्टम जो है वो अमल दरामद उस पर किया गया था, उस अमल दरामद के बाद इसमें काफ़ी सारे मसाइल देखने को आए कि इस इदारे को या ख़ासकर इस फोर्स को इतना हुकूमत की तरफ से सपोर्ट नहीं किया जाता रहा। तो अब तो वो स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं, कुछ मरात कुछ ऐसी चीज़ों का इजाफा हुआ है हुकूमत की जानिब से ख़ासकर ट्रैफिक पुलिस के लिए? देखिए, ट्रैफिक पुलिस पंजाब पुलिस का हिस्सा है, लाहौर पुलिस का हिस्सा है और जो मरात इनको हासिल हैं वही ट्रैफिक वार्डन सिस्टम जो है उसको भी हासिल है। यहाँ पे जो हमारा बुनियादी प्रॉब्लम जो हमें आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनका प्रमोशन स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बन सका, क्योंकि ये जिस रैंक में आए थे वहाँ से ऊपर की तरफ जो अपर मूवमेंट थी, जो वर्टिकल मूवमेंट थी, वो बहुत लिमिटेड थी। मुख्तलिफ किस्म की प्रपोजल्स के ऊपर काम हो रहा है, आईजी साहब इसमें बड़ी खुसूसी तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं और दो प्रेजेंटेशन भी उनको दी गई हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर हो रहा है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई ऐसा वायबल सलूशन निकाला जाए कि इनकी प्रमोशन जो है वो बेहतर हो सके। बुनियादी तौर पर जो बात समझने की है वो ये है कि ये जो फोर्स बनी थी तो इसकी टोटल जो तादाद थी वो 4,000 थी और लाहौर की आबादी तकरीबन उस वक्त 6 मिलियन थी, 60 लाख के करीब थी। अब लाहौर की आबादी 1,20,00,000 से भी तजावज़ कर चुकी है और हमारे वार्डन जो 1,000 कम हो गए, यानी 3,000 लोग हैं। और इसी तरह उस वक्त जो ट्रैफिक थी वो तकरीबन 2.7 मिलियन थी और आज 6.7 मिलियन है। इस लिहाज से हमारे वार्डन जो उस वक्त काम कर रहे थे उससे 6 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं, 5 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनको ज़्यादा मराद की ज़रूरत है। आई जी साहब ने भी इसको तस्लीम किया है और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर गौर करेंगे और इनकी मराद में इनकी जो इश्यूज़ हैं उनको रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। होपफुली काम हो रहा है और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। सर मेहंदी साहब, चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की कोई छुट्टी भी होती है? जी, जब मांगे तो मिल जाती है, वैसे नॉर्मली नहीं होती, संडेज भी नहीं होते और छुट्टी मांगनी ही पड़ती है, वो छुट्टी होती है, अदरवाइज छुट्टी नहीं होती। छुट्टी वाले दिन फिर क्या करते हैं? अभी तो जब से सीटीओ तो किसी काम से ही छुट्टी ली जाती है, मतलब अदरवाइज ऐसे नहीं कि छुट्टी हो और आप कुछ ना कर रहे हैं, कोई काम होता है तो छुट्टी ली जाती है। कहीं जाना है, जाहिर है माशरे में रहते हैं, खुशियाँ हैं, गमी हैं, कुछ शादियाँ हैं, कुछ किस्म की, अदरवाइज़ ये तो बस काम काम और सिर्फ काम ही है। अच्छा, आपने सीएसएस किया और बतौर एएसपी इस महकमे में आए, उससे पहले आप एज ए रैंकर के तौर पे जो है वो भर्ती हुए, गालबन साहब इंस्पेक्टर थे या इंस्पेक्टर थे मेरा ख्याल, तो क्या सोचा इतना पाकिस्तान का नंबर वन मुकाबले का इम्तहान है वो पास किया, यूजली होता नहीं है इस तरह से, तो क्या अज़्म था? एक्चुअली सबसे पहले मैंने पीसीएस एग्जीक्यूटिव का इम्तहान पास किया था और मेरी जो रिक्रूटमेंट थी वो हुई थी ग्रेड 17 में
असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट, साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन से एक और इम्तहान दिया था, वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का इम्तहान था, उसमें भी मेरी अच्छी पोजीशन आ गई, फिफ्थ था मैं ऑल ओवर पंजाब, तो पुलिस में कोई था नहीं, तो मैंने ऑप्ट किया पीसीएस एग्जीक्यूटिव को छोड़ा और इंस्पेक्टर का किया, लेकिन ज़ाहिर है वो एक सेंस ऑफ कंपटीशन थी, अच्छे स्टूडेंट थे तो तैयारी जारी रखी, और तैयारी के बाद मतलब सी एस एस का इम्तहान दिया और ऑल ओवर पाकिस्तान थर्ड पोजीशन ली, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जो है वो कामयाबी देने वाला है, और उसके बाद मैंने बतौर ए एस पी के शमूलियत की, तो जाहिर है एक ही महकमे में होते हुए आप इस तरह से कंपेटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए जब आते हैं तो ऑब्वियसली खुशी होती है। तो पुलिस को ही क्यों चॉइस किया, कोई पुलिस वाले रवैये थे, सख्त दिल थे, सख्त जान थे? ये मेरा ख्याल है डिवाइन डिसीजन था, ये अल्लाह की तरफ से था, क्योंकि सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि पी सी एग्जीक्यूटिव था, वो सिविल नेचर का काम था, वो मैंने ऑप्ट नहीं किया, फिर मैंने ये पी सी एस जो बैच था 98 उसमें कामयाबी हासिल की, और ज़ाहिर है सी एस एस में भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जब अच्छी पोजीशन लेते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि मेरी थर्ड पोजीशन थी ऑल ओवर पाकिस्तान, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी महकमे को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा पुलिस ने फैसिनेट किया और मैंने पुलिस को ऑप्ट किया, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी इस फैसले पे कभी कोई रिग्रेट नहीं हुआ, कभी कोई अफसोस नहीं हुआ कि मैंने गलत फ़ैसला किया, मैंने अपने मिजाज के मुताबिक और जो अल्लाह ने मेरे से काम लेना था उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक फैसला। मिजाज किस तरह का है, बचपन किस तरह का था, शरारती थे, घर से स्कूल गए और कभी फूटा लगाया? हाँ बिल्कुल फूटा लगाया, मार भी खाई। मैं कभी सोचता हूँ मेरा बचपन जो है वो बिल्कुल आम बच्चों जैसा है, कोई उसमें वो ख़ास चीज़ नहीं है, हर वो हरकत जो छोटे बच्चे करते हैं वो हमने भी की है, स्कूल से फूटा भी लगाया, पकड़े भी गए, माँ से मार भी खाई, उसके बाद तौबा भी की, और मैं ज़्यादा जो इंक्लिनेशन था वो टूवर्ड्स शरारतों के ज़्यादा था, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, बिल्कुल मीडियोकर सा स्टूडेंट, लेकिन ये है कि शरारतें ज़्यादा की। तो बचपन में कोई शरारत जो शेयर करें हमारे? देखिए बेताशा चीज़ें हैं जो हम, मैं और मेरा भाई बैठ के अक्सर बातें करते हैं और हंसते हैं काफ़ी ज़्यादा, वही जो छोटे बच्चे करते हैं, हमने छुप के जो है बहुत सारे कुत्ते पाले हुए थे, ठीक है, वो उनको हम तैयार करते थे लड़ने के लिए, वो जिस तरह से छपड़ों में नहाना, बारिश का पानी जहाँ पे इकट्ठा हुआ है वहाँ पे नहाना, ये सारी चीज़ें करना, ये सारे की हुई हैं, अमरूद लोगों के तोड़ना, गलियों में क्रिकेट खेलना, वो सारा काम वो जैसे फुल ऑफ लाइफ होता है आपका बचपन वैसे। अच्छा जब बचपन होता है तो कुछ ऐसे ज़िंदगी में मामलात होते हैं जब नया नया बंदा जवानी में कदम रखता है तो मोहब्बत भी हो जाती है, आपको कभी ऐसा हुआ कि किसी को दिल देने या लेने का मामला हुआ? नहीं ऐसा जो उस वक्त इस तरह की मेरा ख्याल है शायद आजकल के दौर में ज़्यादा इसका है, हमारे तो रابطہ करने शायद बहुत मुश्किल था उस वक्त, तो चीज़ों को कन्वे करना बहुत मुश्किल था, एज बहरहाल इस तरह की होती है कि आपको हर वक्त शायद लगता है इस तरह के इश्क हो गया, लेकिन प्रॉपर जिस तरह से इश्क होना होता है वो उसका। म्यूज़िक सुनते हैं, फिल्में देखते थे, एक्टर कौन से पसंद थे? देखिए उस वक्त तो जब हम FSC में थे, गवर्नमेंट कॉलेज में थे, तो जाहिर है हम बहुत ज़्यादा फिल्में देखा करते थे, वो ज़्यादा फिल्में जो हैं वो इंग्लिश की जो लगा करती थी सिनेमाज में, अब तो ट्रेंड ख़त्म हो गया उस तरह के सिनेमाज का, तो जाकर देखा करते थे, और वो हमारे दोस्त अभी भी हम बहुत याद करते हैं, जाहिर है साइकिलें हुआ करती थी और साइकिलों पर दूर दूर जा कर फिल्में देखना, वो हमने काम किया। अच्छा मुंतज़िर साहब, मोहब्बत आपने नहीं की, शादी आपकी हो गई, तो कभी कभार ऐसा होता है कि घर में कोई नोक झोंक हो और आप एक पुलिस ऑफिसर हैं तो कौन बैकफुट पे चला जाता है, आप या भाभी? मेरी मिसेज भी चूँकि सिविल सर्विसेज में है, और मतलब उस तरह से जिस तरह से प्रॉपर आप समझते हैं लड़ाई होना वो नहीं होती, क्योंकि हम दोनों ही मेरा ख्याल है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पेस देते हैं, तो लड़ाई का तो खैर सवाल पैदा नहीं होता, हाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उस पर मेरा ख्याल ये है कि मेरी बेगम जो है वो बैकफुट पे जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट में आइडियलाइज किसको करते हैं, किन से मुतासिर हैं, किन को उस्ताद मानते हैं जिनसे आपने सीखा हो,
या आप सोचते हो कि ये पुलिस ऑफिसर एक आपके जहन में आइडियल है? सबसे पहला जो इम्प्रेशन मेरे ऊपर छोड़ा था वो छोड़ा था आफ्ताब सुल्तान साहब ने। आफ्ताब सुल्तान साहब के मैंने स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम किया कुछ अर्सा, और शायद मैं समझता हूँ कि मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। बाकी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो आपके ऊपर इम्प्रेशन छोड़ते हैं। हमारे कोर्स कमांडर थे ताहिर साहब, जो अब मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन भी हैं, वो हमारे कोर्स कमांडर थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। बाकी फील्ड में सीनियर जूनियर्स बहुत सारे हैं जिनसे आप सीखते रहते हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आफ्ताब सुल्तान साहब का था, जहाँ पे आप ज़िंदगी में फ़ैसला ये करते हैं कि ये जो ईमानदारी है ये आपके लिए बहुत नेकनामी का बायस बनती है, और आपका असल जो स्ट्रेंथ है वो है ये कि आपके इंटेग्रिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, आपकी तरफ कोई इस हवाले से उंगली ना उठाए। तो मैंने उनसे ये सीखा, उनके साथ बहुत सारा काम किया, और मेरा ख्याल है कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका अब भी कि उन्होंने मेरे पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट में और पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से लोगों का एक तासुर है कि हमेशा यहाँ पे काम कुछ ले दे के हो जाता है, तो यकीनन ये निचले तबके में या निचले आपके जो ऑफिसर होते हैं उनमें ये ज़्यादा चीज़ें उस हवाले से कही जाती हैं। कभी आपको पेशकश हुई किसी रिश्वत की और आपने इनकार किया हो या आप नाराज़ हुए हो? हाँ, बहुत दफ़ा पेशकश हुई, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, और जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने साबित कदम रखा। और इंटरेस्टिंगली हमेशा जो रिश्वत की पेशकश हुई वो उसी काम के लिए हुई जो मेरिट पे था। तो हमने कहा कि ये हम जब काम आपका फ्री में कर रहे हैं तो आप हमें पेशकश क्यों करते हैं जब हम आपका काम वैसे ही कर रहे हैं। तो शुक्र है कि अभी तक कोई ऐसा जो इंसिडेंट नहीं है जिसको सोच के शर्मिंदगी हो कि हमने वो काम जो शायद सर्विस जो हमें देनी थी वो हमने किसी लालच के ताबे किसी को दी हो, या कोई ऐसी सर्विस जो हमें देनी चाहिए थी वो किसी लालच के ताबे ना दी हो। मेरिट को अपनी तरफ से इन्फोर्स करने की कोशिश की है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हों या तफ्तीश के हवाले से हो या ये पुलिसिंग के हवाले से हो। अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा कोशिश की है कि हक इंसाफ का साथ दें और मेरिट पे काम करें और बगैर किसी लालच और तमा के करें। मेरिट पे अगर काम करें तो मुखालिफ अगर कोई बदमाश हो या कोई नेगेटिव नैरो माइंडेड लोग हों तो धमकी भी देते हैं, कभी धमकी मिली? बहुत दफ़ा मिली है, बहुत दफ़ा हुआ है, हर तरह की धमकी मिली है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि धमकी ना मिलना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। धमकी मिलने का मतलब तो ये है कि आपको दूसरे की इंटेंशंस क्लियर हो गई हैं। अगर धमकी ना मिले तो ज़्यादा बुरी बात है। धमकियाँ मिली हैं लेकिन प्रैक्टिकली शुक्र है अल्लाह का कि कोई नुकसान नहीं होगा। कभी पुलिस मुकाबला हुआ? बहुत सारे हुए। अच्छा, उसमें कभी नुकसान हुआ आपको, कोई ज़ख्मी हुए आप या? नहीं, ज़ख्मी नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी दफ़ा इस तरह का वाकया हुआ कि जब लाइव फायरिंग में फंसे और सामने बहुत सारे धमाके भी देखे, जहाँ कुछ ऐसे भी धमाके देखे जहाँ पे हम चंद फुट के फासले पे थे, कुछ ऐसे भी थे जिसमें फौरन बाद पहुँचे, कुछ ऐसे भी थे जहाँ से उसी वक्त निकले। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह पाक ने कुछ इज़्ज़तें आपके लिए रखी होती हैं, कुछ इज़्ज़तें आपके लिए नहीं रखी होती। तो ये है कि सारा कुछ पुलिस ऑफिसर की लाइफ में, तो ये जिस तरह के वाकयात किसी बंदे की ज़िंदगी में एक आधा होता है, शायद पुलिस ऑफिसर के साथ एक आध रोज़ होता है। सीटीओ साहब, ख्वातीन के लाइसेंस बनाने के लिए भी आपने एक मरकज़ बनाया है, तो क्या वहाँ पे सिर्फ ख्वातीन ही जा सकती हैं? जी, यकीनन ख्वातीन ही जा सकती हैं। हमारे उसके अलावा 5 ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स हैं, वो ख्वातीन और मर्द दोनों के लिए हमने बना रखे हैं। और एक हमने ये ज़रूरत महसूस की कि वो ख्वातीन जो वहाँ पर आने में किसी किस्म की हिचकिचाहट का शिकार हैं या किसी इनहिबिशन का शिकार हैं, तो उनके लिए हमने ख्वातीन लाइसेंसिंग सेंटर बनाया है गुलबर्ग में, और ये लिबर्टी पार्किंग के अंदर है और ऑपरेशनल है पूरी तरह से, और इसका जो तमाम अमला है वो ख्वातीन पे मुश्तमिल है। इसमें मर्द हजरात का दाखला ममनू है, इसमें तमाम तर टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आप अपना के रिन्यू भी करवा सकते हैं, नया लाइसेंस भी बनवा सकते हैं, अपना जो लर्नर लाइसेंस है वो भी बनवा सकते हैं,
और बेसिकली हम चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं कि ख्वातीन ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस बनवाएं। अच्छा, इनिशिएटिव ये आपका ही था, तो क्या वजह क्या महसूस हुई कि ख्वातीन के लिए अलहदा से एक सेंटर बनाया जाए? क्या ख्वातीन ज़्यादा लाइसेंस बनाने को तरजीह दे रही हैं? बेसिकली तो इनक्रेजमेंट करना थी। हमने ये ख्वातीन के आलमी दिन के मौके के ऊपर उनको ख्वातीन को एक एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाने के लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप था जो हमने उनके लिए किया। बेसिक जो रैशनैलिटी थी वो ये थी कि हम ये समझते हैं कि जो लाइसेंस है ये फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस ख्वातीन की, कि ख्वातीन के पास अगर लाइसेंस होगा वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा सकती हैं, अपने काम पर जा सकती हैं, और उनकी डिपेंडेंस जो है दूसरे लोगों पर कम होगी। और दूसरी इसमें जो रीज़न थी वो ये थी कि डेटा हमें बताता है कि ख्वातीन जो हैं हमारी वो ज़्यादा ज़िम्मेदार ड्राइवर हैं, और हम ये समझते हैं कि अगर ख्वातीन ड्राइवर्स की तादाद सड़क के ऊपर बढ़ेगी तो हमारी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा डिसिप्लिन होगी और शायद हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी रेशो भी कम होगी। तो ना सिर्फ उनकी एम्पावरमेंट में ये एक स्टेप है फॉरवर्ड, और दूसरा हमारी शायद ट्रैफिक की बेहतरी के अंदर भी ये स्टेप फॉरवर्ड है। तो इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, ख्वातीन जा रही हैं, उनको बड़ा अच्छी सहूलियत हम वहाँ पर फ्राहम कर रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है, और कोशिश करेंगे कि इस तरह के और सेंटर्स भी हम बनाएं। और ये चूंकि बारिश का पहला खतरा है, पूरे मुल्क में फर्स्ट ख्वातीन का ड्राइविंग लाइसेंसिंग टेस्टिंग सेंटर है, तो ज़ाहिर है इसको अब दूसरे ज़िला और दूसरे सूबे भी शायद फॉलो करेंगे, तो इससे ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। ट्रैफिक पुलिस में ख्वातीन वार्डन्स की बड़ी एक तादाद थी जब नया नया इस निज़ाम को लाया गया था, तो अब वो लेडी वार्डन गायब हो गई हैं, कहाँ छुप गई हैं? शायद जो फील्ड था उसको उन्होंने अवॉइड किया। शुरू में इस तरह के वाकयात कुछ हुए थे जिसकी वजह से ख्वातीन डिस्करेज हुई फील्ड में, लेकिन आपने ही उस पर एक प्रोग्राम भी किया था। हमने यहाँ पे अब हैवी बाइक्स पे ख्वातीन को फील्ड ड्यूटीज़ असाइन करना शुरू की हैं और ख्वातीन फील्ड में आ रही हैं, और आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी शाहराओं पे आपको हैवी बाइक्स पे ख्वातीन नज़र आती हैं। हमने दो रैलीज़ भी करवाई हैं ख्वातीन की जिसमें वो हैवी बाइक्स चलाती नज़र आई हैं। तो ख्वातीन आहिस्ता आहिस्ता माइल हो रही हैं और अब पेट्रोलिंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारियाँ वो निभा रही हैं और बाकायदा चलानिंग कर रही हैं लोगों की। तो होपफुली जो हमारी बाकी ख्वातीन हैं उनका देखा देखी वो भी इनक्रेज होंगी और ख्वातीन आपको ज़्यादा नज़र आना शुरू होंगी। पाकिस्तान में या ख़ासकर लाहौर में वायलेशन किस चीज़ पे की जाती है? कौन सी ऐसी वायलेशन है या कानून की खिलाफ वर्जी है जो आम लोग करते हैं और उसमें जुर्माना बढ़ना चाहिए या बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है जो हमने हाई कोर्ट को भी बताया कि जो लाहौर में पार्किंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया जाता है हमारे शहरियों की तरफ से, और वो हमारी ट्रैफिक के चलने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा करती है। लोग ये समझते हैं कि हम अगर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो हम कहीं पे भी गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं। नॉर्मली वो एक लेन को कवर करके खड़ा होते हैं और जिससे ट्रैफिक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं समझता हूँ कि एक ये बहुत बड़ा ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर हैवी फाइन्स करें और ये डिस्करेज करें लोगों को इस बात के ऊपर कि वो पार्किंग के वक्त पे किसी किस्म की गैर जिम्मेदारी का सबूत ना दें, क्योंकि अगर आप पार्किंग एरियाज या बेस के बगैर गाड़ी खड़ी करेंगे तो उससे ना सिर्फ एक्सीडेंट होता है बल्कि हमारी ट्रैफिक की रवानी भी बहुत मुतासर होती है।